सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं बहुत ही टेस्टी आलू परवल सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट की रेसिपी है। इस रेस्टोरेंट में आलू परवल सब्जी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें अदरक जिंजर नहीं डाला जाता है। बहुत लोग अदरक खाना पसंद नहीं करते हैं, जिनको भी पाइल्स का प्रॉब्लम होती है। इस सब्जी में गरम मसाला का भी यूज नहीं होता है। इसमें गार्लिक लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या करना है, चलिए आगे। मज़ेदार आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 6 परवल। फ्रेश परवल होना चाहिए, बहुत ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन जो रहता है कलर किया हुआ रहता है, एक बार चेक कर लीजिएगा पानी में डालने के बाद वो ग्रीन हो जाएगा, इसलिए आप कुछ ज़्यादा ग्रीन हो उसे नहीं लें। मैं यहाँ ले रही हूँ छोटे आकार के 7 आलू, ले रही हूँ 3 प्याज, 2 टमाटर, गार्लिक लहसुन। लहसुन का क्वांटिटी मैं ज़्यादा ले रही हूँ इस सब्जी के लिए। परवल को छीलना है, ज़्यादा इसे नहीं छीलना है, इसलिए मैं नाइफ की हेल्प से इसे छील रही हूँ। ऊपर पर ही सिर्फ इसे छीलना है। इसी तरह सारे परवल को छील लेना है, पोटैटो को भी छील लेना है। इन सबको मैं अच्छे से छील ली हूँ, तब इसे वॉश करना है। सारा सब्जी अच्छे से धुल गया है तो परवल को मैं काट लेती हूँ। परवल को बहुत सारे स्लाइसेस में नहीं काटना है, बस 2 पीस में काटना है। इसे गोल काटना है, इसे बीच से नहीं काटना है, बस ऐसा ही छोड़ देना। आलू का भी 2 पीस करेंगे। देखिए छोटा आलू है इसलिए 2 पीस ही रहेगा। यहाँ पे मैं आलू और परवल को पीसेस में कट कर ली हूँ। प्याज को भी फाइनली स्लाइस कर ली हूँ। टमाटर को भी मैं स्लाइस में काट ली हूँ। सब्जी में गोल मिर्च डालना कंपलसरी है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि गार्लिक के साथ जिंजर अदरक ग्राइंड नहीं होगा। लहसुन के साथ ब्लैक पेपर गोल मिर्च ग्राइंड होगा। रेस्टोरेंट में इस आलू परवल की सब्जी बनती है, वहाँ इस सब्जी का डिमांड बहुत है। इस मसाले से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इस सब्जी में गर्म मसाला नहीं डाला जाता है, यही इसकी खासियत है। तो चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब इस सबको डीप फ्राई करेंगे। मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। गार्लिक और ब्लैक पेपर का फाइन पेस्ट तैयार है। कढ़ाई गर्म है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को धुआं आने तक गर्म करना है। इस सब्जी मस्टर्ड ऑयल ही डाला जाता है। अगर मस्टर्ड ऑयल आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो इस तेल में डालना है परवल को। परवल डालने के बाद स्टर करते हुए फ्राई करना है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्राई होने में 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में इसे कवर कर देना है। परवल क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए, इसलिए परवल को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अच्छी सब्जी चाहिए तो टाइम तो देना होगा। परवल लाइट ब्राउन हो चुका है, 2 मिनट और ये फ्राई होगा। हमें क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए इसलिए थोड़ा और टाइम देंगे। परवल लाइट ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी भी हो गया है, तब इसे निकाल देना है। इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं आलू को, तो इस आलू को डाल देना है। आलू फ्राई हो रहा है, जब तक मैं दिखा देती हूँ परवल का क्रिस्पीनेस। फ्राई परवल का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, बिल्कुल ऐसा ही फ्राई करना है। परवल क्रिस्पी क्रिस्पी होना चाहिए। परवल क्रिस्पी होगा तभी टेस्टी बनेगा और मसाला अंदर तक जाएगा। यही सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे सब्जी काफ़ी टेस्टी बनता है। आलू को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक कि आलू में क्रिस्पीनेस नहीं आ जाए। इसे भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। लगभग आलू कुक हो चुका है तो इसे निकाल देना है। आलू फ्राई हो चुका है, परवल फ्राई हो चुका है, तब हमें करना क्या है। इसके लिए हमें बनाना होगा मसाला। मसाला बनाने के लिए पहले कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, थोड़ा और तेल लेना है। देखिए तेल से धुआं निकलने लगा है, तो इसमें डाल देंगे जीरा, शाही जीरा है ये, इसे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद डालेंगे मेथी दाना, मस्टर्ड सीड, सरसों दाना। उसके ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग। यहाँ पे डाल रहे हैं सौंफ, करेंगे तेज पत्ता, लाल मिर्च, ठीक है साथ डाल देना है प्याज। तो गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है, प्याज बर्तन को जल्दी पकड़ता है इसलिए बीच बीच में इसे रोटेट करते रहेंगे।
लो फ्लेम पे प्याज अच्छे से गलता है, इसलिए फ्लेम को लो ही रखें, वो हाई नहीं करना है, नहीं तो होगा क्या कि आपका प्याज जल जाएगा। कस्तूरी मेथी इसे थोड़ा क्रश करना है और फिर हम इसे सब्जी में डालेंगे। डाल देना है कस्तूरी मेथी, इसमें प्याज को चलाएंगे, ब्राउन होने वाला है। इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर जिसे मैंने लंबा लंबा पीस में काट ली थी। इसे डालने के बाद स्टर करेंगे और एक मिनट के बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से होगा क्या कि हमारा जो प्याज और टमाटर है जल्दी और अच्छे से गल जाएगा, कुक हो जाएगा। की वजह से देखिए टमाटर और प्याज कितने अच्छे से और कितने जल्दी गल गया है। तो अब यहाँ पे हमें डालने हैं मसाले। मसाले मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ब्लैक पेपर गार्लिक पेस्ट जिसे मैंने एक साथ ग्राइंड की थी। सब्जी मसाले में मेन इंग्रेडिएंट लहसुन और गोल मिर्च पेस्ट है, इसे डालकर अच्छे से चला लेना है। इसके बाद डालना है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद डालना है धनिया पाउडर 1 चम्मच, ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ना शुरू कर दे तब तक हमें इसे फ्राई करना है। साला तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमें ऐसा ही मसाला चाहिए, इस सब्जी का खासियत यही है कि प्याज अच्छे से गल जाना चाहिए, तभी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनेगा। इस मसाले को 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। देखिए मसाला कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हुआ है। तो अब इसमें डाल देना है भुने हुए सब्जी। अब भुनी हुई सारी सब्जी को इसमें डाल देना है मसाले में, अच्छे से भूनना है, 5 से 7 मिनट इसे और भूनना है। फ्लेम को लो ही रखेंगे, ये धीमी आंच पे बनने वाली सब्जी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ठंडा पानी नहीं जाएगा, गर्म पानी जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। पानी गर्म हो चुका है तो अब इसे सब्जी में डाल देना है। पानी को धीरे धीरे डालना है, पानी भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है तो पानी छिड़क सकता है और हाथ जल सकता है। मैं ग्रेवी के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप पानी। हमारा आलू भी कच्चा है और परवल भी पूरी तरह नहीं पका है, इसलिए मैं पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। तो कैसी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पानी और डालिए, और अगर सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो पानी को कम डालिए। हमें सब्जी को तब तक लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि आलू परवल अच्छे से कुक ना हो जाए। ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चेक करेंगे कि ये पूरी तरह कुक हुआ है या नहीं। आलू को एक बार चेक कर लेते हैं कि अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। अच्छे से कुक हो गया है, सब्जी पूरी तरह रेडी है। गैस को कर देना है बंद। अब हमारी टेस्टी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। लुक एट दैट, वेरी टेस्टी। एक बार आप इस सब्जी को बनाकर देखें, फिर आप कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके।